माता मेरे साथ मेरे सखा जाएंगे, पिता माता तू भी अकेला नहीं, तेरे पिता माता सखियां। राधा रानी बोले फिर तो मैं चलूंगी। मतलब है जो गिरिराज गोवर्धन यमुना ये कोई साधारण वस्तु नहीं, ये गोलोक वृंदावन से ही प्रभु को साथ में ये आए हैं। इसलिए ये गिरिराज कोई पहाड़ पत्थर नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण, ये स्वयं भगवान विष्णु ही ये गिरिराज का रूप धारण किए हैं। इसलिए अभी एक दिन मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ इमरती हाँ दाल बाट चूरमा रात भर बना रही थी। कृष्ण बोले मैया मैया कल मेरे क्या जन्मतिथि है, आज इतने बढ़िया बढ़िया खाना क्यों बना रहे? बोले नहीं, बोले दाल भैया का, बोले नहीं, बोलते ये रात भर इतने बढ़िया बढ़िया मालपुआ कचौड़ी क्यों बना रहे हो? बोले जा पिताजी के पास में जा, वही पूछो। कृष्ण पिताजी की गोद में बैठ गए, दाढ़ी पकड़ लिए, बोले पिताजी पिताजी ये मैया आज इतने सुंदर सुंदर मालपुआ पकवान क्यों बना रही है? बोले लाला कल हम इंद्र पूजा करेंगे। बोले पिताजी ये इंद्र कौन होते हैं कौन? बोले ये स्वर्ग का देवता और इनकी अधीन में ये मेघ है और हम सबके सब ग्वाला है। हमारा जो मूल धन ये गैया और उपयुक्त समय पर बारिश बरसाता है, घास उगता है, फिर गैया घास खाते दूध देते, दूध से दही, दूध से मक्खन, दूध से मिठाई, सब दूध से सब कुछ बनता है और दूध ही हमारा मूल आहार है, इसलिए हम इंद्र पूजा करते हैं। बोले पिताजी ये बताओ ये समुद्र क्या इंद्र को पूजा करता है ना, ये नदी पूजा करते ना पहाड़ पूजा करते हैं, वहां क्यों बारिश होती है? नंद बाबा तो चुप हो। बोले ये कैसा अटपटा सा प्रश्न है। बोले पिताजी ये इंद्र कुछ करने वाले नहीं है, ये इंद्र भी एक आधिकारिक देवता, जब आप इंद्र को पूजा करो इंद्र फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर भगवान का आदेश हो फिर ये इंद्र बारिश बरसाता है। पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन आप देख रहे हो ना, ये गिरिराज नहीं पिताजी, ये ब्रज का साक्षात देवता है। हम जो ब्रजवास कर रहे हैं ये गिरिराज की कृपा से, मेघ आकर के टकराता है गिरिराज गोवर्धन में और ये बारिश होती है। बताओ गैया घास घास खाते बोले गिरिराज से, बोले सुंदर सुंदर मीठा मीठा पानी कहाँ से बोले गिरिराज से, बोले ये फल कहाँ से मिलता बोले गिरिराज से, बोले गिरिराज से तो सब मिल रहे हैं पर पूजा इंद्र को क्यों कर रहे हो? बोले पिताजी ये गिरिराज पत्थर नहीं, ये ब्रज का साक्षात प्रकट देवता श्री गिरिराज, इनकी कृपा से हमें सब कुछ मिलता है। बोले पिताजी ये बताओ कब से इंद्र पूजा कर रहे हैं? बोले जब से होश आया, बोले जब आप उनको भोग लगाते हो दर्शन किए हो कभी दर्शन मिली इंद्र की? बोले नहीं। बोले देखो पिताजी जब आप ये गिरिराज की पूजा करोगे ना इन्हीं नेत्रों से साक्षात ठाकुर का दर्शन मिलेगा। बोले क्या इन्हीं आंखों से भगवान देवता दर्शन मिलेगा? बोले हाँ। बोले भैया हमने कभी देवता देखो ना कभी? भैया फिर तक कल हम श्री गिरिराज की पूजा करेंगे, जाओ ब्रजमंडल में ढिंडरा पिटवा दो, कल इंद्र पूजा नहीं गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। बोले श्री गिरिराज बाबा की। अभी जो एक किलो आटा की जो पूड़ी बना रहे थे ना, बोले भैया गिरिराज के ताई हम तो दो किलो आटा की पूड़ी बनवाएंगे, जो दो किलो बेसन के लड्डू बना रहे थे बोले भैया हम चार किलो बनवाएंगे, जो चार किलो सूजी के हलवा बना रहे थे बोले हम आठ किलो बनवाएंगे, और दाल बाटी चूरमा बड़े राजस्थान का सबसे प्रिय खाद्य क्या है, लेकिन एक दिन आप लोग हमें बनाकर खिलाया नहीं। दाल बाटी चूरमा बढ़िया, कहते चूरमा दो तरह का बनाया, जानते हो कितने तरह का? दो तरह का, बोले एक हंसना एक रोना। बोले हंसना रोना मतलब, हंसना मतलब जो चूरमा का पत्तल में पत्तल रखते खिल जाए, और रोना जिसे घी टपकता है, है? दो तरह का चूरमा, दो तरह का कढ़ी बनवाए, एक राहण कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। बोले सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डालकर बनाते हैं, राहण कढ़ी जिसमें बगैर पकौड़े के जो कढ़ी बनता है कहती है राहण कढ़ी है। और उन्होंने बनवाया दाल तो पांच तरह का है, उड़द का दाल, मूंग का दाल, अरहर का दाल, मटर का दाल, छोले की पांच तरह का दाल बनवाई, पराठा तो 20 तरह का पराठा बनवाए, मूली की, आलू की, गोभी की, बथुआ की है। हमारे एक भक्त है 40 तरह का पराठा बनाता है, 40 तरह का, इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या?
अर्न मतलब होता है अर्न, कूट मतलब होता है पर्वत। ब्रज में 365 गांव है, तरली बरली सही ऊंचा गांव नंदगांव बरसाना, हाँ इसलिए कई से गिनो कर अभी भी 365 गांव ब्रज में है। इसलिए सारी गांव के इतने बैलगाड़ी पर लद करके लाए। कूट मतलब होता है पहाड़। चार तरह का तो चावल बनवाए, आप लोगों ने कितने तरह का चावल लाएगा? चार तरह का चावल, पहला एक तो फीकी चावल, एक मीठी, एक नमकीन और एक मटर पनीर डाल करके चार तरह का चावल वहां पर बना करके लाए है। वहां पर ऐसे लाए पहाड़ की पहाड़, क्यों 365 गांव के इतने लाए वहां पर। कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत को द्वारा गिरिराज के अभिषेक की उन्होंने, अभिषेक करके अभी जितने वहां खाना लाए थे ना, अरे भोग लगाया कि नहीं? भोग लगाया अभी बारिश आ रही ना, अभी सही इंद्र पूजा हो रही ना, कभी गिरिराज पूजा बारिश हुआ ना तभी सार्थकता है, इसलिए सही सही पूजा हो रही। इंद्र क्रोध करके बारिश बरस जाएगा ना, कृष्ण तभी तक गिरिराज उठाएंगे, मतलब कथा करना सार्थकता हो गया है। इसलिए अभी हर चीज में तुलसी दिया और गिरिराज की आह्वान करके जब बुलाए, हाँ इतम सहृद नैवेद्य को करना श्री गिरिराज आए स्वाहा, इतना बोलते ही सचमुच से श्री गिरिराज प्रकट हो गए, आकाश को स्पर्श कर रहे थे, इतने बड़े रूप थे। और गिरिराज जी बोल रहे थे, देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन एक अन्न का दाना जो मेरे सेवा में लगाया उनको आशीर्वाद देता हूँ, किसी जीवन में घर में अन्न और वस्त्र का कभी अभाव नहीं पड़ेगी। ये गिरिराज स्वयं की बात को बताए, और इतना घर में अन्न वस्त्र देंगे, घर में समाया के समाया भी नहीं, फिर उसको तरह भागवत कथा भी कराएंगे, ज्यादा होगा तो गिरिराज की सेवा और भक्तों का सेवा भी करते रहेंगे। गिरिराज ने सबका आशीर्वाद गिरिराज ने दिया है और बोले ये गिरिराज गोवर्धन की जो अनादर करेगा जन्म जन्मांतर में भूखे उसको भटकना पड़ेगा, ये गिरिराज स्वयं बताए। बोले गिरिराज ब्रजवासियों, उन्होंने दोनों हाथ बढ़ा बढ़ा कर खा रहे थे, दोनों हाथ बोले आनो रे और लाओ, ब्रजवासी बोले प्रभु आप इसी में ही संतुष्ट हो जाओ। फिर गिरिराज सबका आशीर्वाद दिया और बोले देखो इनका नाम सर्व अभीष्ट प्रद था, मतलब किया जो कुछ गिरिराज से मांगो, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत सब कुछ गिरिराज देते हैं। आप गिरिराज गए होंगे, कल बता रहा था ना पत्थर के ऊपर पत्थर देखो, बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए ना, जितने पत्थर के ऊपर गिरिराज की पत्थर रखो उतना मंजिली मकान दे देते हैं। हैं जिसके घर में लड़का लड़की की शादी नहीं होती वहां जाकर अभिषेक करे पेड़ में, पेड़ बांध देते बेटा बेटी की शादी हो जाएगी। जिनकी धंधा नहीं चलती है कभी गिरिराज की परिक्रमा करो, गिरिराज की पंचामृत से अभिषेक करो उनकी धंधा। आप कितना हजार हजार लोग अधिक महीना में तो हम परिक्रमा करने के लिए गए थे, अधिक महीने बाबरे इतने लोग केवल रोड में उतर जाओ धक्का मारते मारते अपने परिक्रमा कर लेंगे, 26 दिन परिक्रमा आपकी परिक्रमा हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए कृष्ण ने कहा चलो ब्रजवासी चकाचक भजन करो, चलो हम सबके सब परिक्रमा करने जाएंगे। परिक्रमा किसने करवाया? कृष्ण ने, स्वयं कृष्ण परिक्रमा की, अपना सखा सखी ब्रजवासियों को लेकर के कृष्ण सबको साथ में परिक्रमा की और खाते पीते हुए परिक्रमा किए। अभी प्रभु जी आपको भजन के द्वारा परिक्रमा लगवाएंगे, हाँ बड़े सुंदर गिरिराज की भजन गवाएंगे और देखा हाँ हरे कृष्ण आज के प्रसाद, आज गिरिराज के लिए प्रसाद प्रसाद कौन गाए, कहते चंद्रकांता दीदी और उसे सिद्धा दीदी सुधा दीदी सब दीदी दीदी है और रंजना दीदी और अशोक प्रभु जी और पूनम दीदी, इसलिए सभी लोगों ने प्रतिष्ठा में जो लाए रहो, हाँ गिरिराज तो सब जानते हैं कौन क्या लाए, लेकिन इन लोगों ने विशेष करके सेवा की, आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ठाकुर जी गिरिराज जी इनके ऊपर सबको ऊपर आशीर्वाद करें, सब फलते फूलते रहे और जीवन में सुखी और जीवन में शांति मिले, प्रसाद इधर बैठ के पाएंगे सब लेकर। हाँ हरे कृष्ण बोल रहे हैं प्रसाद, आपको यही बैठ कर पाएंगे प्रसाद, आज बहुत प्रसाद आया है सबके सब, यही प्लेट मिलेगा सबके सब, यही बैठ कर प्रसाद बना ठीक है, सबके सब बैठना। और कल कितने बजे से कथा है? 9 बजे। कल कितने बजे से कथा होगी? अरे विचार करके बोलो, 10 बजे। हाँ कल बता रहे हैं 10 बजे से एकदम कथा शुरू हो जाएगी और 1 बजे हम कोशिश करें कथा को
विश्राम कर देने के लिए कल कोशिश करेंगे। और कल का जो कथा है, कल का जो कथा सुन लेगा, कहते सात दिन का कथा सुनने का फल उसको मिल जाएगा। कोई आधा सुने, कोई लास्ट में आए, लेकिन कल कोशिश करना सही समय पर आओ। कल का कथा जो सुनेगा अंतिम कथा, उसको सात दिन कथा सुनने की उसको फल मिल जाएगी। और कल रुक्मणी कृष्ण की कल शादी होगी, सुदामा चरित्र होगा, ठीक है। इसलिए कल रुक्मणी की शादी होगी ना, कल भगवान की बारात में आना। बारात में कैसे बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन कर जाते हो, लेकिन मैं देखता हूँ आप लोग तो रोज बढ़िया साड़ी पहन कर जाते हो। इसलिए कल और भी बढ़िया साड़ी पहन कर जाना, क्योंकि भगवान की शादी होगी ना, द्वारकाधीश की शादी होगी। भगवान की शादी में इसलिए कल लाल रंग की साड़ी पहन कर जाना। रोज तो लाल ही पहनते हो, इसलिए कल और बढ़िया, जितना पेटरा में जो रखा हुआ ना खराब हो रहा है शादी का समय का, उसको सब के सब निकालना, ठीक है। एकदम बढ़िया भगवान की शादी में। और देख लेना आप लोग, दो लड़का दो लड़कियों को ना कृष्ण रुक्मणी बना देना, और उसमें एक को सुदामा बनाना, ठीक है। एक को सुदामा और दो लड़कियों को देख लेना आपस में, आपका दो लड़की को कृष्ण रुक्मणी बना देना। और कभी कभी कोई कोई रुक्मणी की विवाह में कोई साड़ी देते हैं, अगर देना चाहते हो, अगर बढ़िया साड़ी लाओगे ना, अभी हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, उसको ले जाएंगे और वहाँ पर राधा मंदिर में जो राधा रानी को वो साड़ी देंगे मंदिर में। इसलिए अगर बढ़िया साड़ी लाओगे तो सब मंदिर में हम राधा रानी की साड़ी, वहाँ पर जो पुराना मंदिर कहीं होगा वहाँ पे ठाकुर को हम साड़ी लेकर के देंगे, ठीक है। कल कोई कुछ बना के नहीं लाना, इधर ऑलरेडी बन रहा है। हरे कृष्ण। और हमारी ये हमारे प्रभु जी बता रहे थे, क्या प्रभु जी, हाँ वो बता रहे थे 9 बजे बोलोगे फिर 10 बजे आती है, 10 बजे बोलोगे फिर 11 बजे आएंगे। इसलिए हम लोग हम एकदम कल 10 बजे से पहले हम आ जाएंगे, एकदम 10 बजे से कथा शुरू और 1 बजे से अंदर कथा को हम विश्राम कर लेंगे कल, ठीक है। इसलिए एकदम 10 बजे से पहले आ जाना कथा सुनने के लिए। और ये बता रहे हैं कल सभी के लिए प्रसाद यही बनेगा, हाँ घर से कोई मत लाना, अगर कुछ देने का इच्छा हो तो इन लोगों को दे देना, कल यही पर प्रसाद, हाँ यही पर सभी के लिए प्रसाद, ठीक है ना प्रभु जी, क्या बोल रहे हो, यही पर सभी के लिए प्रसाद यही पर बनेगा, और यही पर बैठ करके सबको बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलेगा। और कल पूरा परिवारों को लेकर करना, ठीक है ना, अकेला नहीं, क्योंकि भागवत को बताया ये कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब क्या, जो मांगोगे भागवत कथा से, दुखी को सुखी, रोगी को निरोगी, निर्धन को धनी, संतान जिसको नहीं उनको संतान, ये सबको सब कुछ प्रदान करने वाले, और भगवत प्रेम देंगे उनको, ठाकुर जी को पास में ले जाने वाले। इसलिए सब के सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी अभी गिरिराज के भजन गाएंगे, प्रभु जी तो गिरिराज को ना बीच में रख लेना, गोपाल गोपाल जी को भी बीच में उनको साथ में रख लेना, सबके सब बीच में परिक्रमा आप लोग है ना, गिरिराज जब कोई परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी पीछे 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 चलते हैं, ये हमसे क्या मांगेगा, इतना कष्ट करके परिक्रमा कर रहे हैं, जो मांगोगे गिरिराज वही दे देगा। इसलिए अभी प्रभु जी भजन गाएंगे, गिरिराज को नाचना और बाद में सबके सब परिक्रमा करना। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गिरिवर्धन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। भैया आरती वाले, आरती करने वाले ले आओ, आरती कीर्तन होते ही करें, अब आरती करते हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को गाऊं मेरे नए मने करो मनो, अरे नए मने मेरो मनवा, सखी नए माने करो कनवा, नहीं माने करो कनवा, गोवर्धन को
Oh,